उसको ब्लड आ रहा था। सी अब देखो, हमने पंजाब का मदर्स का बहुत सारे वीडियो डाला हुए हैं, मजेदार मजेदार वीडियो डाला हुए हैं। पंजाब का मदर्स का एक और एपिसोड, अब इसमें ऐसे है कि पंजाब का मदर्स अपना हद से भी ज्यादा दूध से प्यार करता है। इतना दुनिया में कोई नहीं दूध और गाय और भैंस से प्यार करता है जितना पंजाब में लोग प्यार करता है। हरियाणा भी है बीच में, हरियाणा पंजाब, एक्चुअली कल्चर ही दूध से रिलेटेड है ना, दैट्स व्हाई वो हमेशा सारे फोर्स करते हैं। पंजाब इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब मेरा मतलब नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कृष्ण भगवान से लेके जो जो नॉर्थ इंडिया में भगवान जी भी पैदा हुए हैं, दूध के बिना हमारा चलता नहीं। शंकर जी जो कैलाश में है नॉर्थ इंडिया में, उनको भी दूध चाहिए, मतलब बाल्टी बाल्टी भर के। हमने गलती से एक गांव में गया था, उधर थोड़ा सा हमने सोचा एक ग्लास लस्सी दे दो। अब ग्लास था क्या था, मेरे को लग रहा था कि वो एक बाल्टी है, इतने बड़े भर के उन्होंने मेरे को लस्सी दिया। फिर हमने एक बार आलू पराठा ऑर्डर किया, इतने बड़े आप विश्वास नहीं करते, 30 रुपीज का था, पूरा मेरा फेस कवर कर सकता है, इतने बड़े, चार लोग तीन दिन हम बोलता है कि एक ग्लास दूध पी सकते हैं अगर बच्चे ने इम्यूनिटी प्रूव किया। पहले चीज है कि एलर्जिक चीज आप कभी दे सकता है तो पहले इम्यूनिटी तो प्रूव करना, तो लॉजिक होता है ना, इम्यूनिटी प्रूव करने के बाद कोई भी बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, चांसेस ऐसे होगा कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले इम्यूनिटी तो प्रूव करो। इम्यूनिटी प्रूव करने के लिए कम से कम बच्चा तो कम से कम 2-3 बार तो बीमार तो होना है, बीमार होएंगे तो कितना दिन लगेगा इसको ठीक होने में, लॉजिक में बोल रहा हूँ कुछ समझ, ये लॉजिक ना पंजाब में लोगों को समझ नहीं आने वाला। मतलब हमें ऐसे एक टाइम बताओ, समय तारीख और मुहूर्त बताओ जिसमें बच्चों को हमें दूध दे सकते, हमें ऐसे मुहूर्त चाहिए जिसमें बच्चे को दूध दे सकते हैं। हम पता नहीं हम इतना बताए हैं, बहुत एलर्जिक चीज है, खतरनाक चीज है, कभी भी दे सकते तो पंगा पड़ सकते हैं। अगले चीज है कि बेबी सिटिंग, बेबी सिटिंग का पंजाब का माताओं का सबसे सबसे मजेदार चीज क्या होता है आपको पता है, मोबाइल, मोबाइल। बेबी सिटिंग के लिए दुनिया में सारे जगह माई रखता है, पंजाब और हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में एक फंडा होता है बेबी सिटिंग के लिए, मोबाइल होता है। मतलब माँ बाप बच्चे से परेशान हो गया, बच्चे को मोबाइल दे दिया, बस सेट हो गया बच्चा। दूसरा तीसरा चीज है कि पंजाब का बिगड़े हुए मुंडे, नॉर्थ इंडिया का एक ऐसे ऐसे अनोखा इंसान बनाया हुए नॉर्थ इंडिया का माताओं ने, उनको बोलता है कि बिगड़े हुए बड्डे घर का काका, बिगड़े हुए मुंडे और बिगड़े हुए कुड़िया, क्या है कि उनको इंस्टेंट इंस्टेंट उनको मजा आना चाहिए। वो जिंदगी में उनका मादा जो मर्जी करे, इतना लिमिट क्रॉस करके बच्चे से प्यार करता है कि बच्चा बोर नहीं होना, बच्चा जिंदगी में कोई दुख नहीं सहन करना, बच्चा गिरेगा तो पंजाब का माताएं बच्चे को इतना गोदी में लेके रखेंगे। जैसे वो गिरा भी था आज, गिरने के बाद इतना टेंशन हो जाता है, मेरे बच्चे गिर गया मैं क्या करूं, मेरे बच्चा ही गिर जाते कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे को इतना रोला पड़ गया, इतना मोटा हो गया, डॉक्टर साहब उसके दिमाग में क्या हो जाएगा। फिर डॉक्टर भी टेंशन में आ जाते, बिना मतलब से सीटी स्कैन लिखना पड़ता है, मजा आ जाता है। सबको पैसा पैसा देने में माँ बाप को मजा, पैसा फूकने में माँ बाप को मजा आ जाता है, सीटी स्कैन वाले को मजा आ जाता है, डॉक्टर को भी तसल्ली हो जाता है, मोस्टली जरूरत नहीं होती, मेरा बच्चा 15 बार गिर चुका है, मैंने कभी इसको स्कैन नहीं किया, जरूरत नहीं होती। नहीं बट डॉक्टर इतना बड़ा फोड़ा बन गया मैं क्या करूँ, डॉक्टर भी टेंशन में रहते यार ये क्या है, कल पिटाई ना हो जाए हमारा। अगला चीज है कि ये मोबाइल देखे कुड़ियों को और मुंडे लोगों को, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को, हर छोटे बात में उनको उनको चाहिए, मतलब चाहिए। फोर्थ चीज है कि गुस्सा करके पंजाब का माताओं ने बच्चों को इतना गुस्सा वाला बना दिया, मतलब चाहिए जिद्दी बच्चा, बच्चे को जिंदगी में दुख टेंशन ये सारी चीजें उनको पता नहीं है। 2 मिनट बाद बच्चा चीजें बोर हो गया, नया चीज बच्चे के आगे आ गया इंस्टेंट।
सबर बच्चे को पता नहीं, 5 मिनट टिक्के बैठ के सिमरन करना ना माँ बाप करता है ना बच्चे को पता नहीं। ऐसे बच्चे लोग जिंदगी में जाके स्कूल में बैठा है, आजकल के टीचर से पूछना चाहिए, टीचर्स पागल हो जाता है, 40-50 ऐसे अफलातून बच्चा, 50 बच्चे एक साइड से बोलते बेटा टिक जा, दूसरे साइड से निकल आते, तीसरे साइड में उधर बोलते बेटा टिक जा, दूसरे टिक्के बैठना नहीं सिखाया हुआ है। अगर आप आज का वीडियो देख रहे और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, पहले चीज है कि बच्चे को जिंदगी में बोर करते रहना है, उसको बोर करने वाला काम पहले सिखाना है, क्योंकि आगे जिंदगी में फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। एक होता है फन, लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फन एंड वर्क, लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फन एंड वर्क। बोर को सहन करना जरूरी है क्योंकि वर्क इज बोरिंग, वर्क को फंड में कन्वर्ट करने के लिए बोरिंग के साथ यूज टू होना बहुत जरूरी है। पंजाब का ये राजा बेटा लोग ना, बाय गॉड, उनको 2 मिनट सहन ही नहीं होते जिंदगी में, छोटा सा बीमारी हो गया, चोट लग गया, मादा रो रहे, मादा को रेके बच्चा रोता है, सोशलाइजेशन इधर है ही नहीं आजकल का बच्चे में। उनको सोशलाइजेशन मतलब एक दोस्त है उनका, ये होता है उनका सोशलाइजेशन, बस एक फोन मिल गया, फोन उसका दोस्त है, उसकी जिंदगी फोन है। इंसान के साथ कैसे बात करना, अरे इंसान के साथ माँ बाप नहीं मिलते, गुरुद्वारे में कौन जाता है, नहीं पड़ोसी को पता नहीं, शहर का एक नया जनरेशन पैदा हो रहे जिनको आपका नाइबर का नाम नहीं पता, मेरे को भी पता नहीं है तो अलग बात है, क्योंकि हमारा तो अलग ही गैंग होता है, हमारे पास टाइम नहीं होते, अलग बात है, नाइबर का नाम 4 साल हो गया मेरे को पता नहीं है। पर हम कोशिश करेंगे कि मैं जितना हो सकता है मेरे बच्चे को बाहर भेजता हूँ कि वो उनका बच्चों के साथ खेले 2 घंटे, उसमें भी उसका मम्मा आ जाता है, 1 घंटा हो गया खेलने से, 1 घंटा हो गया खेलने से, अरे यार टाइम टेबल देख के थोड़ी ना कोई खेलता है, वो खेल है दोस्त मिलजुल के खेल रहे, 5 मिनट में तुम्हें वापस आना चाहिए, पसीना आ रहे तुम्हें, खेलेंगे तो पसीना आएंगे, खेलेंगे थोड़ी ना खुशबू आता है, पसीना आने के लिए धूप गर्म सर्द हो जाएगा। सारे दुनिया के सारे जानवर बाहर ही खेलता है, उनको कोई गर्म सर्द नहीं होते। टोपी उतार दिया तुमने, क्या हो जाएगा टोपी उतारने से, क्या हो जाएगा नहीं, टोपी उतारने से बीमारी पकड़ेगा क्या, टोपी उतारने से बीमारी नहीं पकड़ते। मेरे पास ऐसे 10 बच्चा आता है जिनका पूरा बॉडी में दाने हैं, और जब हम बोलते हैं कि थोड़ा सा कपड़े कम कर दो, माता बोलते हैं डॉक्टर साहब सर्दी पकड़ेगा, अरे मेरे भाई सर्दी कुछ नहीं पकड़ते, ऐसे कुछ चीज है, आपने सर्दी को देखा है, सर्दी का कोई सींग है, आंख नाक है, आके पकड़ेगा, सर्दी नहीं पकड़ते ऐसे, बच्चा गिरेगा तभी सीखेगा। अब बच्चा मेरे सामने 10 बार गिर चुका है, मैं तो देखता भी नहीं है, चलो खेलो कोई बात नहीं, अब गिरेगा तभी सीखेगा। अगर मेरे वाइफ के सामने वो गिरा है तो 15 मिनट रोना पिटना ए, ए, ए। अगर एक ही बच्चा अगर लोगों के सामने गिरता है तो ज्यादा रोता है, लोगों के सामने नहीं गिरते, मम्मा के सामने गिरता है तो बहुत ज्यादा रोता है, पापा के सामने गिरता है तो कुछ फर्क नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला एक फनी चीज है जो पंजाब में हमने देखा है, नॉर्थ इंडिया में बच्चा और पापा इकट्ठा बैठ के ब्रांडी पीता है, बच्चा रात को रोएंगे, पापा पैग मार रहा होगा, बच्चे को 2 स्पून दे दिया ब्रांडी, ये भगवान हमारे घर में ऐसा कल्चर नहीं है, आपके घर में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखा है, बच्चे को कुछ भी हो गया ब्रांडी पिला तो ठीक हो जाएंगे, ब्रांडी पिएगा तो ऑब्वियसली आगे जाके जिंदगी में बच्चा तो दारू वाला बनेगा, मुंह में नहीं लेना, बच्चा दारू वाला बनेगा। अगला मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बनाया कि पंजाब का मदर्स अक्सर ट्रैफिक पुलिस बनता है। अब देखो छोटे छोटे सामान सारे बच्चा मुंह में डालते हैं, सारे बच्चे छोटे छोटे सामान मुंह में डालते हैं, मदर बोलते हैं ना करो, बच्चा थोड़ी ना पापा है, बच्चे के पापा को ना बोलेंगे तो बेचारा हाँ जी बोलना ही पड़ता है,
बच्चे को कुछ नहीं समझ आने वाला, वो तो फिर से मुंह में डालेंगे। बिना मतलब से अपना जिंदगी का वैल्यू खत्म ना करो, उसको नो बोलने से कोई फायदा नहीं है। उसको चीजें दे दो, अच्छा अच्छा खाने वाला चीज, कैरेट का टुकड़ा दे दो, वो मुंह में चबाते रहेंगे। वो तो देते हैं उसको जो मर्जी हाथ में मिलेगा, वो तो मुंह में डालना ही डालना है। ये बच्चों का हैबिट होता है, ये बच्चों का काम ही ऐसा ही है। वो मम्मा ने कहा था, वो दे देती हूँ मैं इसको। अगला चीज है, अभी गर्मी आने वाला है, अब गर्मी में निकलेगा तो गर्म सर, गर्मी वाले से खेल के घर के अंदर घुसेगा तो अंदर ठंड है तो ठंड ही लगेगा, सर्दी लगेगा। मतलब इंसान ना बाहर जा सकते हैं अंदर जा सकते हैं, अब करें क्या? कौन है ये सर्दी और गर्मी जो आपको पकड़ रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं होते दुनिया में, वायरस होता है, बैक्टीरिया होते, इधर घूमता है, इम्यूनिटी कम है, वो आके पकड़ेंगे। ऐसे कोई माऊ ले लड़ना कोई नहीं पकड़ने आता, लू आएंगे, गू आएंगे, कुछ नहीं होते। जरूर बच्चों के गले में एक बोतल टांग दो तो जाने दो, जब जरूरत है वो उठा के पियेंगे, समझ लो ना, इतनी सी बात है। वो खेलने दो, उसको गले में एक बोतल टांग दो, वो अपने आप पीते रहेंगे। ये है भी डरना है, अगर नहीं पी रहे बच्चा कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो तो अपने आप पिए। लेट मिले डेमोन्स्ट्रेट। अब बच्चों को ट्रेनिंग, बच्चों को काबिल बनाना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को सबर सिखाना, पेशेंस सिखाना, घर का काम। आजकल का पंजाब का मुंडा, जो न्यू जनरेशन आजकल का पंजाब का मादाओं ने बिगाड़ के बनाए हुए, अपना कच्चा पैंट के अंदर से उठा के वॉशिंग मशीन तक नहीं डालते, उतना काम जो अपना सॉक्स शूज के अंदर से उठा के वॉशिंग मशीन तक नहीं डालते। और इनका शादी हो जाता है फिर बीवी डांटता है इनको, कच्चा नहीं डालता है, पैंट के अंदर ही पड़े रहते हैं चार चार दिन। तो सिखा देती हैं वाइफ्स फिर आगे। ये वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, वाइफ को भी ऐसे बनाया हुआ है, दोनों मिलजुल के ऐसे बच्चा बना रहता है, उससे भी नालायक। हमें फंक्शनैलिटी, वर्किंग कल्चर, पेशेंस, बोरिंग काम सिखाना होगा बच्चे को, स्पेशली घर का काम, झाड़ू करना, पोछा करना, वो नहीं होते तो कम से कम अपना हाथ से रोटी तोड़ के मुंह में डालना तो सिखा दो। इतना बुरा हाल हो गया पंजाब में कि शादी तक माँ ही मुंह में डाल रहे। तो आज का मेरा पंजाब का माताओं का तीसरा वीडियो है, इसका समरी ये है कि बिना मतलब से बच्चों को बिगाड़ना नहीं होते, बच्चे को इंसानियत सिखाना है, सोशलाइजेशन सीखना होगा। 10 लोगों के बीच में जाइए, बच्चों को छोड़ दीजिए, वो इंसान के साथ बात करना सीखेंगे। कब तक गोदी में रखोगे बच्चे को शादी तक? कब तक बिगाड़ते रखोगे? काबिल बनाने के लिए भेजा है, नालायक बनाने के लिए नहीं। रोना सिखा दो उनको, दुख सिखा दो, कभी हॉस्पिटल लेके जाओ, कभी पीजीए लेके जाओ, उधर बीमारी दिखा दो उनको, कभी ओल्ड एज लेके जाओ, दिखा दो प्रॉब्लम, दिखा दो जिंदगी का परेशानी, दिखाओ, कोई गरीबों के साथ लेके जाओ उधर, दिखा दो गरीबी क्या है, प्रॉब्लम जिंदगी में क्या है, असली प्रॉब्लम सिखा दो। नहीं तो बच्चा सोचेगा जिंदगी मतलब मस्ती, नो वर्क ओनली फन। यू हैव टू टीच टू थिंग्स, फन ओके थोड़ा टाइम के लिए, वर्क ज्यादा, फंक्शनैलिटी सिखा दो कि आगे जाके जिंदगी में सारे स्कूल में टिक के बैठना है तो पहले फंक्शनैलिटी सीखना है। नहीं है तो बच्चे तो टिकना ही नहीं है और मैडम उसे आपको गुस्सा करेंगे। तो टेक केयर, हैव ए गुड डे।